हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। इतनी बड़ी गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स, ख्याल रखें अपना। और इसी गर्मी में पंखे की हवा में बैठे बैठे बना रही हूँ फ्लावर डिजाइन, बहुत ही ब्यूटीफुल है, चौकोर शेप वाले। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ले लिया है येलो कलर का थ्रेड और मैजिक रिंग बना ली है। इसमें तीन चेन बना ली है मैंने, अभी बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो ये मैंने सिंपल वाली डबल क्रोशिया बनाई, दो चेन ली। अभी बनाऊंगी मैं, पहले दो फंदे निकालूंगी, दो रहने दूंगी, फिर से लूंगी, फिर दो निकाल दूंगी। इस बार तीन हो गए ऊपर, तीनों को एक साथ निकाल दूंगी, फिर दो चेन, फिर से डबल क्रोशिया बनाऊंगी, दो फंदे निकालने, दो हमारे हुक पर रहेंगे ऊपर। धागा हम किसी भी तरह से लपेट सकते हैं, जिस तरह से इजी हो आपके लिए। और फिर डालूंगी हुक को, फिर से दो निकालेंगे, तीन रह गए, इनको एक साथ निकाल देंगे और फिर दो चेन लेंगे। फिर से बता रही हूँ मैं, एक बार हमने हुक डाला, दो फंदे निकाले, दो रहेंगे हमारे हुक के ऊपर, फिर दोबारा लेंगे हम और फिर से दो निकालेंगे, तीन रह गए, इस बार तीनों को एक साथ निकाल देंगे, फिर दो चैन कर लेंगे। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। तो कर लेती हूँ पहले मैं, फिर दिखाती हूँ। यहाँ मैंने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने ये आठ डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए हैं अपने। ये देखिए, ये जो हमारे दो चैन का गैप है, ये ही हमारे आठ होल बन जाने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कम्प्लीट कर लिया है और दो चैन करते हुए यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूँगी राउंड को। ये देखिए, होल जैसे बनाए हैं मैंने, ये आठ हो गए मेरे। और यहाँ पे इसे मैं जॉइंट कर दूँगी, स्लिप नॉट से जॉइंट करने के बाद धागे को कट कर दूँगी। तो यहाँ पे आप काउंट करके अच्छे से देख लें, मैं आठ होल चाहिए यहाँ पे। और फिर एक सिंगल क्रोशिया करते हुए धागे को मजबूती से नॉट लगा के कट कर देंगे धागे को। फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पे इस धागे को सुई से भी सेट कर सकते हैं अच्छे से, वो ज़्यादा ही सफाई से हो जाएगा। बैक साइड में ले जाके खुलेगा भी नहीं, अच्छे से नोट लग जाती है उससे। लेकिन मैं हुक से ही किए दे रही हूँ, कभी कभी मैं बाद में सुई से भी कर देती हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किससे करेंगे इसे। और इसे हमें अच्छे से बैक साइड में ले जाकर नोट लगानी है बस। आप इसमें धागे का कलर अपनी चॉइस के अनुसार ले सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद मैंने रेड कलर ले लिया है और इसे मैंने इसमें रिंग के अंदर कर लिया है एंट्री। इसके बाद एक चेन कर लूँगी यहाँ पर, अभी तीन चेन और कर लूँगी। और ये जो हमारा रह जाता है छोटा सा, इसे हम ऐसे धीरे धीरे इसमें लपेटते हुए चलेंगे तो ये मजबूत हो जाएगा, निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर कुल मिला के मैं चार चेन कर लूँगी। चार चेन करने के बाद दो बार हुक पर धागा लपेटेंगे हम और फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, दो निकाले, फिर दो निकाले, फिर दो निकाले। इसे हम इसके अंदर कर देंगे बाद में छोटे से धागे को, फिर दो बार लपेटेंगे, फिर से डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और दो दो करते हुए तीन बार में निकाल देंगे फंदों को। ऐसे करके हमें चार डबल क्रोशिया बना लेनी है यहाँ पर। तो ये मेरी एक दो तीन चार हो गई हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, चैन बनाएंगे यहाँ पर, एक दो तीन, और यहाँ पे से इसी वाले होल में स्लिप स्टिच कर देंगे नीचे। एक चैन लेंगे इसके बाद और फिर से आगे वाली दो चैन थी उस होल में हम स्लिप स्टिच करेंगे और फिर से चार चैन बना लेंगे। फिर दो बार हुक पर लपेटेंगे धागा और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, दो दो करते हुए हम तीन बार में निकाल देंगे सारे फंदों को, फिर से दो बार लपेट लेंगे। तो ये मैंने आपकी जानकारी के लिए थ्री टाइम बता दिया है। इस तरह से करते हुए हम यहाँ पर चार डबल क्रोशिया कर लेंगे, एक दो तीन चार, और फिर चार चेन करेंगे, एक दो तीन, सॉरी तीन चेन करेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर एक चेन करेंगे यहीं पे और आगे वाले होल में स्लिप स्टिच करके फिर चेन बनाएंगे, चार चेन, दो तीन चार, और फिर दो बार धागा लपेटेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर हमने दो बार लपेटा और टपर कोशिया बना ली। उसको डालेंगे इसके अंदर, पहले दो निकालेंगे, फिर दो निकालेंगे, फिर दो निकाल देंगे, फिर तीन चेन कर लेंगे इसके बाद, और फिर इसी होल में स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर एक चेन करूँगी। चेन के बाद ये जो येलो कलर का हमारा नीचे धागा है, इसमें एक चेन में स्लिप स्टिच, और फिर से चार चेन यहाँ पे। इसी तरह से मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है। मेरे फ्लावर की पूरी पेटल कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर दूँगी अभी, और एक चैन लेके धागा कट कर दूँगी। ये स्लिप स्टिच हो चुका है, और एक चैन और धागा कट कर दूँगी यहाँ पे। ये फ्लावर पूरा बन के कम्प्लीट हो गया है। अभी यहाँ पे हम दूसरे कलर का धागा ऐड करेंगे। तो फ्लावर की पेटल के बीच से सेंटर में से कहीं भी हम मतलब धागे को ले सकते हैं, और ये जो हमारा रह जाता है इसे हम ऐसे आगे पीछे करते जाएंगे हर चेन के साथ, और इस तरह से चार चेन कर लेंगे। ये दो फिर से हम पीछे कर देंगे, तीन बची हुई को फिर आगे कर लेंगे, चार चार चेन लेने के बाद दूसरी जगह जो सेंटर है वहाँ पे हम इसे या तो स्लिप स्टिच कर दो या फिर सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ स्लिप स्टिच कर रही हूँ और फिर से चार चेन लूँगी। चार चेन लेने के बाद फिर से आगे हम यहाँ पे सेंटर में से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इसी तरह करते हुए मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। और फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक कलर्स की वीडियो अपलोड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स है, लेकिन उसमें वॉइस ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाई है, तो इसलिए मैं उस कलर्स की वीडियो दोबारा से अपलोड करूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और मेरे चैनल पर वेट करें। मैंने बहुत ही सुंदर सुंदर वीडियो बनाई है, डोर हैंगिंग बनाया है, बहुत सुंदर है वो। उसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी, आपका कलश, आम के पत्ते, सब कुछ है। तो आप प्लीज़ विजिट करें, जो ना समझ में आए कमेंट करें। तो मैंने यहाँ पे अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है और इसे स्लिप स्टिच से जॉइन किया है। अभी एक दो तीन तीन चेन किए हैं। यहीं इसी होल में डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। तो एक हमारी तीन चेन वाली, एक और बना ली मैंने, और एक और बना रही हूँ, तीन डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हम इसे अगले वाले होल में बनाएंगे। अभी इस वाले में हम तीन डबल क्रोशिया करेंगे और उसके बाद तीन चेन करेंगे। इसमें तीन डबल क्रोशिया करके तीन चेन कर लेंगे, फिर सेम इसी होल में तीन डबल क्रोशिया और करेंगे। ये मेरी तीन चेन हो गई हैं। फिर से इसमें तीन डबल क्रोशिया करूँगी, एक दो तीन। ये हमारी कॉर्नर वाली शेप आ जाएगी, क्योंकि हम चौकोर शेप दे रहे हैं अभी से। फिर इससे आगे वाले होल में तीन डबल क्रोशिया कर लूँगी मैं। तो हमारे इसमें राउंड में पूरे में क्या होगा, एक में हम केवल तीन डबल क्रोशिया करेंगे, फिर उसके पास वाले होल में तीन डबल क्रोशिया, तीन चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया, और फिर तो इसी तरह से चलेगा पूरे में हमारा। एक होल में कॉर्नर वाली शेप आएगी, एक होल में सिंपल तीन डबल क्रोशिया आएंगे। इस तरह से इसमें हमारे चार कॉर्नर बन जाएंगे। तो मैं इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे ये लास्ट होल में मैं ये तीन डबल क्रोशिया कर लूँगी और स्लिप स्टिच से इसे जॉइन कर दूँगी यहाँ पे। ये जो हमारी थ्री की चेन थी उसकी पहली चेन में स्लिप स्टिच करूँगी इसे, और हम धागा कट नहीं करेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स। इसी में तीन चेन और करूँगी यहाँ पे। थोड़े कॉर्नर को हम थोड़ा पहले सही कर लेंगे खींच के, क्योंकि बनाते समय वो इधर उधर हो जाता है, और सही से सेट करेंगे इसे। इसके बाद अभी राउंड कंप्लीट करेंगे अपना दूसरा वाला। तो इसके लिए तीन चेन करूँगी यहाँ पे, और फिर इसी वाले होल में डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये दो हो गई हैं मेरी तीन। फिर इसके बाद यहाँ पे ये कॉर्नर वाला जो आ गया, इसमें करेंगे तीन डबल क्रोशिया, दो
तीन चेन करूँगी इसके बाद, एक दो तीन, और फिर से इसी में तीन डबल क्रोशिया कर लूँगी। दो यहाँ पे फ्रेंड्स कॉर्नर में हमारी हर जगह तीन तीन डबल क्रोशिया आएंगी, तीन चेन तीन डबल क्रोशिया, फिर एक चेन कर लूँगी इसके बाद, फिर जो दूसरा होल है हमारा इसमें करूँगी डबल क्रोशिया, तो इसमें भी मैं तीन डबल क्रोशिया कर लूँगी, और फिर उसके बाद एक चेन करूँगी, फिर अगले होल में तीन डबल क्रोशिया करूँगी, तो इसी तरह से इस राउंड को भी कंप्लीट कर लूँगी मैं। तो कर लेती हूँ पहले मैं इस राउंड को भी कंप्लीट। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है, और इसे भी मैं स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूँगी। यहाँ पे एक चेन करूँगी और यहाँ इसे धागे को कट कर दूँगी। इस धागे को कट करके भी हम दूसरे कलर का थ्रेड लगाएंगे इसमें। ये देखिए अभी तो कंप्लीट भी नहीं हुआ, कितना ही खूबसूरत लग रहा है ये। अभी मैं इसमें क्रीम कलर ऐड कर रही हूँ, एक राउंड उसका लगाऊंगी। तो हम किसी भी होल में डाल के मतलब सिंगल क्रोशिया कर लेंगे एक, उसके बाद फिर चेन करेंगे, थोड़ा छोटा कर लेंगे इस धागे को, और चेन करूँगे इस धागे को हम इधर उधर करते हुए सी में लगा देंगे। यहाँ पर तीन चेन कर ली मैंने, और सेम इसी होल में डबल क्रोशिया बनाऊँगी। ये तीन डबल क्रोशिया कर ली हैं और एक चेन, फिर इससे आगे वाले होल में उसमें भी मैं तीन डबल क्रोशिया करूँगी। तीन डबल क्रोशिया करने के बाद फिर एक चेन कर लूँगी, और फिर जो कॉर्नर वाला है हमारा होल उसमें तीन डबल क्रोशिया करूँगी, इसमें भी तीन डबल क्रोशिया तीन चेन, तीन डबल क्रोशिया हुई है मेरी। अभी इसके बाद तीन चेन कर लूँगी यहाँ पे, एक दो तीन, और फिर से डबल क्रोशिया करूँगी यहीं पे, एक दो तीन, फिर एक चेन लेके आगे वाले होल में। तो इसी तरह से मैं ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लूँगी। तो मैं कर लेती हूँ पहले इस राउंड को कंप्लीट। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये राउंड को कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे स्लिप स्टिचेस ज्वाइन करके थ्री चेन कर ली हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे हर चेन में डबल क्रोशिया बनाऊँगी, जितनी भी मेरी चेन बनी हुई है हर चेन में डबल क्रोशिया कर लूँगी मैं। तो पहले मैं एक कॉर्नर का करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे कॉर्नर तक एवरी चेन में डबल क्रोशिया करूँगी, हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। उसके बाद फिर हम धागे को कट कर देंगे, और यहाँ पे ये हमारी चौकोर शेप कंप्लीट हो जाएगी। फिर यहाँ पर कोई भी चेन हमें स्किप नहीं करनी है, क्योंकि ये हमारा बड़ा हो रहा है तो फंदे बढ़ेंगे भी इसमें, तो इसलिए हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया कर रही हूँ मैं। ये अभी मैं कॉर्नर पे आ गई हूँ चलते हुए। अभी ये जो हमारा दो चेन वाला है यहाँ पे करूँगी, इसमें दो डबल क्रोशिया कर लूँगी मैं, और यहाँ पे कॉर्नर में यहाँ पे करूँगी जो चेन है वो हर चेन ले लूँगी, फिर इसके अंदर मैं दो डबल क्रोशिया कर लूँगी, दो चेन, फिर से दो डबल क्रोशिया, और फिर इसके पास वाली चेन है उसमें करेंगे डबल क्रोशिया। फिर हमें हर चेन में इसी तरह से डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो मैं कर लेती हूँ पहले इस राउंड को कंप्लीट, और मैं इसी तरह से कंप्लीट कर ले रही हूँ इसे पूरे को। और फ्रेंड्स मैंने मतलब आपसे पहले भी बोला था कि मैं कलर्स की वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, इसके बाद कलर्स की अपलोड करूँगी, उसमें एकदम वॉइस क्लियर होगी, सब कुछ आपको डिटेल में समझाऊंगी उसमें, तो आप ज़रूर देखें उस वीडियो को।
और इसके बाद मैं गणेश जी की भी वीडियो डालूंगी पूरी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स, आपको यदि मेरी ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक भी कर दें, तो और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। इसमें ये आप बहुत सारे बना सकते हैं, मैंने ये दो बनाए हैं, और तरह तरह के बनाइए, इसमें अलग अलग कलर की, एक सेम कलर की बनाइए आप, टेबल कवर या बैग, जैकेट, कुछ भी बना सकते हैं इनसे। और मुझे भी कमेंट करके बताएं कि मैं क्या बनाऊं इनका। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।